दूसरी लहर में कोविड-19 के मामलों में जितनी तेजी से इजाफा हुआ था, उतनी ही रफ्तार से केसेज कम भी हो रहे हैं। सिर्फ 3 सप्ताह में ही डेली केसेज का 7 दिनी औसत 8 मई को पीक के समय दर्ज आंकड़ों के आधे तक पहुंच गया है। शनिवार को यह औसत 2 लाख से नीचे यानी 1,95,183 पर आ गया। यह आंकड़ा पीक के वक्त 3,91,263 था। दूसरी लहर में औसत डेली केसेज भी 50% की गिरावट पहली लहर के मुकाबले आधे समय में दर्ज की गई है। पहली लहर में औसत डेली केसेज 17 सितंबर को पीक पर थे। 6 हफ्तों बाद 30 अक्टूबर को आंकड़ा आधा रह गया था। हालांकि रोज मौतों के आंकड़े में उतनी तेज गिरावट नहीं देखी गई है। 7 दिन के आधार पर डेली मौतों का औसत पीक से करीब 18% तक कम हुआ है। इसमें पिछले महीनों के महाराष्ट्र के वे आंकड़े शामिल नहीं हैं जो उसने इस दरमियान जोड़े हैं। 7 दिन के आधार पर मौतों का औसत 17 मई को सर्वाधिक 4,040 था। फिलहाल यह आंकड़ा 3,324 है। दूसरी लहर में डेली मौतों का आंकड़ा अभी 3,000 से नीचे नहीं गया है। शनिवार को भारत में 3,080 मौतें दर्ज की गई, जो शुक्रवार के 3,034 मौतों के लगभग बराबर ही है। इसमें भी महाराष्ट्र के आंकड़ों में जोड़ी जा रही पुरानी मौतें शामिल नहीं है। कोविड के मामलों में गिरावट की दर दूसरी लहर में संक्रमण में बढ़त के जैसी ही रही। 3 सप्ताह में डेली एवरेज आधा हो गया है। पीक के 3 हफ्ते पहले भी लगभग यही एवरेज था। 7 दिन के आधार पर केसेज का औसत 17 मई को पीक से 3 सप्ताह पहले 2,03,949 था। भारत में पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में केसेज घटे हैं। शनिवार को मणिपुर में जहां 1,007 नए केस सामने आए, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 497 नए मामले दर्ज किए गए। दोनों ही राज्यों में यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। असम में भी 5,613 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि 20 मई को सामने आए सबसे ज़्यादा 6,573 केस से करीब ही है। देश में सबसे ज़्यादा 30,016 नए मामले और मौतें 486 तमिलनाडु में दर्ज की गई। 21 मई को 36,184 मामलों के साथ राज्य में कोविड-19 के डेली मामले घटने लगे थे। उसके बाद से सबसे ज़्यादा केस शनिवार को दर्ज किए गए। यहां शुक्रवार को भी 486 मरीजों की मौत हुई थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में राज्यों के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और टीकाकरण अभियान बड़ा हथियार बने हैं। दोनों की मदद से संक्रमण की रफ्तार को रोकने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि देश के सभी बड़े राज्यों में इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक 21 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।